नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 12:30 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 2019 के लिए जो सियासी बयान आने का सिलसिला शुरू हो गया है, वो भी कल उपचुनाव के नतीजों के बाद, ये बहुत दिलचस्प है। आपको एक एक करके ये सारे बयान समझने चाहिए। यूपी बिहार में उपचुनाव के नतीजों के आने के बाद 2019 के फाइनल मुकाबले के लिए ये जो सियासी गुणा भाग है ना, वो शुरू हो गया है। बयानबाजी का दौर है। गोरखपुर और फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत के ऐलान के साथ ही अखिलेश यादव लखनऊ में मायावती से मुलाकात करने के लिए कुछ 8:05 पर कल पहुंचे थे। समर्थन के लिए उन्होंने धन्यवाद उनको कहा, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके थे। 2019 की स्ट्रैटेजी पर चर्चा वहां पर की। वहीं कल शाम राहुल गांधी भी शरद पवार से मिले। दरअसल यूपी में बीजेपी के गढ़ में मिली जीत से जहां विपक्षी नेताओं का हौसला बुलंद है, रामगोपाल यादव ने 2019 का इसे ट्रेलर बता दिया है। आज राहुल गांधी को कांशी राम की याद आ गई। बीजेपी भी विपक्ष की रणनीति की धार को कमजोर करने में जुट गई है। सीएम योगी समाजवादी पार्टी की इस जीत को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सौदेबाजी करार दे रहे हैं। उनके जो शब्द रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि इनकाउंटर कर दो, अगर जरूरत पड़े तो किसी सीमा पर जाकर के अगर काटना भी पड़े तो काट डालो, ये शब्द हैं सदन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। मैंने कभी भी अपने आप को बैकवर्ड नहीं समझा, समाजवादी लोगों ने हमने कभी बैकवर्ड नहीं समझा, लेकिन हम समाजवादियों को और बहुजन समाज पार्टी की नेता को क्या कहा गया कि ये सांप छछूंदर का गठबंधन हुआ है। चुनाव के बीच में सपा बसपा का राज्यसभा चुनाव की दिशा से एक प्रकार का आपसी सौदेबाजी होना और जो एक बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं ना कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। हम इसकी समीक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि जो हमारी सीटें थी उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का हारना, यह समीक्षा का विषय है। तो अखिलेश यादव ने भले ही उपचुनाव में मिली जीत को जनता की जीत करार दिया हो, लेकिन जब सवाल 2019 के गठबंधन को लेकर हुआ तो इस पर खामोश रहे, कहा अभी तो जश्न का वक्त है। सुश्री मायावती जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस देश की महत्वपूर्ण लड़ाई में ये जो चुनाव दोनों लोकसभाओं का था, उसमें उनकी पार्टी का, उनका सहयोग, उनका समर्थन मिला। वैसे अखिलेश यादव ने भले ही 2019 के लिए अपने सियासी पत्ते खोले ना हो, लेकिन उन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता रामगोपाल यादव उपचुनाव के नतीजों को 2019 का ट्रेलर बता रहे हैं, बता चुके हैं इनफैक्ट। हालांकि बीजेपी का वो भरोसा है कि कल के नतीजों से 2019 पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल 3 उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं लोकसभा के, और तीनों में बीजेपी की पराजय हुई है। तो ये जो मिथ था कि ये जहाँ चाहेंगे वहाँ जीत लेंगे, ये जनता के दिमाग से इनका ये डर निकल गया। और ये जो उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स आए हैं, ये 19 का संकेत देते हैं कि इस बड़ी बिल्डिंग में कोई दूसरे लोग ऊंची गद्दी पर बैठेंगे। ये हार कुछ मतों के हेर फेर की हार है, हम इसकी समीक्षा करेंगे, कहाँ कमी रह गई उसको चिन्हित करेंगे और आगे कैसे और बेहतर रणनीति बने उसकी कार्य योजना बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2019 के लिए बीजेपी की रणनीति अब होगी और स्ट्रांग होगी, उपचुनाव के नतीजों का इस पर कोई असर नहीं। हमारे साथ भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद हैं। सर, 2 राज्यों में महत्वपूर्ण उपचुनाव हुआ,
कहते हैं कि यूपी होकर के ही रास्ता बिहार से निकलता है और दिल्ली तक पहुंच जाता है। पहले यूपी पर क्या कहेंगे, यूपी में सीटें गई हैं? देखिए, कहना नहीं कहना न मेरे कहने से बातें पलट जाएगी और न कहने से बातें रह जाएगी। मुझे किसी से चुनौती नहीं है, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती हों, चाहे आरजेडी हो, बिहार हो या यूपी। मुझे जो भी चुनौती है अपने आप से चुनौती है। कहीं न कहीं जनता के उम्मीदों पर हम खड़े नहीं उतरे, उसे अंदर में देखना है कि हम कहाँ नहीं खड़े उतरे, और जब हम इसको देख लेंगे हम अपनी चुनौतियों का सामना कर लेंगे। हम चुनौतियों का सामना करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम इसलिए मुझे अखिलेश यादव, मायावती या आरजेडी मेरी चुनौती नहीं है, मेरी चुनौती मैं खुद हूँ। सर, एक बिहार से भी सवाल है। आपके साथी सांसद आपके पार्टी के गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि एक ढंग से मोबिलाइज नहीं कर पाए, चैनलाइज नहीं कर पाए कार्यकर्ताओं को, तो बिहार में क्या देखते हैं, क्योंकि बिहार तो अभी कर्मभूमि भी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, उसी में सारी कहानी आ जाता है। मुझे चुनौती बार बार कह रहा हूँ कि मेरी चुनौती खुद मैं हूँ। कहीं ना कहीं मुझसे खामियाँ हुई है, क्योंकि बिहार की जनता ने, यूपी की जनता ने नरेंद्र मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा रखा है, आज भी भरोसा रखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रहा है, उन चुनौतियों का मुकाबला मुझे करना है, अपने अंदर की चुनौतियों का। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह थे जिनसे हमने बिहार और उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणामों पर बातचीत की। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन बंटी के साथ स्वप्निल, जी मीडिया दिल्ली। तो कह रहे हैं खुद का खुद से कंपटीशन है, तो इस बार जरूर सोचेंगे कि किस तरीके के बयान दिए हैं जिससे कहीं ना कहीं फूट की जो फीलिंग है वो वहां बिहार के लोगों में आई है। तो इंट्रोस्पेक्ट तो गिरिराज सिंह को करना होगा। बहरहाल, बीजेपी भले ही मायावती और अखिलेश के गठबंधन को एक बेमेल सियासी समझौता बताने में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस ने इस वक्त के लिहाज से या इसे समय के लिहाज से समझदारी का गठबंधन करार दिया है। बहुजन समाज पार्टी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती है, तो इसलिए उन्होंने देखा कि इसको मौका अच्छा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से समर्थन लेके राज्यसभा सीट आगे बढ़ाया जाए और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया जाए, और मैं समझता हूँ कि ये सूझबूझ का निर्णय था, और अन्यथा वोट बढ़ते और भारतीय जनता पार्टी फिर जीत जाती। तो देखिए, सियासी बयानबाजी इतनी हुई है कि हमें बकायदा इसके लिए पूरा एक बुलेटिन तैयार करना पड़ा, क्योंकि ये दौर तो थम ही नहीं रहा है। शाहरवाज हुसैन कांग्रेस को गिरेबा में झांकने की नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस अब नोटा से कॉम्पीट करने में लगी हुई है। ऐसे नारे लगाते रहते हैं लोग। राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, 5 विधानसभा चुनाव वो आम चुनाव हार चुके, अभी भी कांग्रेस और नोटा में कंपटीशन है कि नोटा में ज़्यादा वोट आया कि कांग्रेस में ज़्यादा वोट आया, तो उनको चिंता करनी चाहिए। कई बार चुनाव में स्थानीय परिस्थितियाँ होती हैं, क्योंकि ये चुनाव राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर कोई फर्क नहीं डाल रहा था, इसलिए लोगों ने स्थानीय परिस्थिति को देखकर वोट किया। भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति की और भाजपा के फूट डालो और शासन करो के सिद्धांत की हार हुई है। कांग्रेस कई जगह अच्छा कर चुकी और इस बार और अच्छा करने की आवश्यकता है, पर यह सही कहा राहुल जी ने और सही कहा दूसरे आदरणीय साथियों ने कि भाजपा के अहंकार की, मोदी जी और शाह जी की जोड़ी के अहंकार की हार, नफरत की राजनीति की हार, भाजपा की आइडियोलॉजी की हार और एक भारत के मूलभूत सिद्धांतों की जीत है। और अभी तो आप देखिएगा, शनिवार को एक के बाद एक कैसे सियासी ज्वाल आते हैं, बवाल आते हैं और बयान आते हैं, क्योंकि
जी कॉन्क्लेव 70 बदलते भारत की तस्वीर। ये कॉन्क्लेव जहां पर बड़े बड़े नेता एक साथ उस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। हमारे साथ जुड़िएगा जरूर।